वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस, अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं इस बानिक के स्मार्ट प्लेटफॉर्म में। और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपका ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्री। जी हाँ, इंडिया और उसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, उसके बारे में आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखिए, हमारा जो इंडिया है, आप लोग बोल सकते हो टोटल 7 फॉरेन कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से हो 7 कंट्री? तो एक हो गया आपका, याद देखिएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट हो गया आपका चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये 7 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है हमारा इंडिया। और अगर हम लोग देखें आपका एरिया वाइज, जाके लेंथ वाइज देखा जाए, तो याद देखिएगा जो इंडिया है अपना, जो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, याद देखिएगा, आपका बांग्लादेश के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे शेयर करता है आपका चाइना, तीसरे नंबर पे आ गया आपका पाकिस्तान, चौथे नंबर पे आ गया कौन सा, सीरियली अगर हम लोग देखा जाए यानी एरिया वाइज, तो सबसे पहले हो गया आपका बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है अपना, जो सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो शेयर करता है, याद देखिएगा, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम बॉर्डर है वो शेयर करता है, याद देखिएगा, आपका अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? देखिए, अफगानिस्तान का अगर बात किया जाए तो ये एक्चुअली हमारे साथ अगर देखा जाए, अभी का जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा इंडिया का, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान किसके साथ शेयर कर रहा है आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसके ऊपर कब्जा करके रखा, जिसको क्या किया है, पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। क्लियर? मैं आपको सीरियली बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के साथ इंडिया आपका जो टोटल बॉर्डर शेयर करता है वो है, याद रखिएगा, आपका 4097 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है। और जो स्टेट बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं वो स्टेट है, याद रखिएगा, आपका वेस्ट बंगाल, मिजोरम, उसके बाद आ गया आपका मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। ये जो 5 स्टेट है ये बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, तो ये 5 स्टेट शेयर करते हैं, याद देखिएगा, अपना बॉर्डर आपके बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पे आपका चाइना। तो चाइना देखिए आपका, सबसे पहले हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख के बाद आ जाइए आप लोग उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आ जाइए किसमें आपका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारा जो एरिया है इससे शेयर करता है कौन आपका, चाइना। किस तरफ? तो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न तो नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसके साथ शेयर करता है आपका चाइना। नॉर्थ वेस्टर्न के साथ कौन शेयर करता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न का जो एरिया है हमारा इंडिया, उसके साथ शेयर करता है आपका पाकिस्तान। कौन कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी? तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आ जाओगे आप लोग कौन सा, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख, इनके साथ शेयर करता है कौन आपका, तो पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है। चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग आपका नेपाल। तो नेपाल का देखिए, नेपाल का हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आ जाइए आप लोग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हो गया आपका कौन सा, तो उत्तर प्रदेश के बाद हो गया आपका बिहार, बिहार के बाद आ जाइए आप लोग कौन कौन सा, तो बिहार के बाद हो गया आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद हो गया आपका सिक्किम। ये 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, तो ये 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका नेपाल, जो कि टोटल बॉर्डर शेयर करता है, याद देखिएगा, आपका 1751 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के बाद आते हैं किसमें, तो नेपाल के बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें आपका, किसमें, भूटान में, अच्छा सॉरी, नेपाल के बाद कौन सा था आपका, नेपाल के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार में आते हैं। अच्छा, म्यांमार देखिए, तो म्यांमार याद रखिएगा टोटल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ। और जो स्टेट म्यांमार के साथ लगे हुए हैं वो है, याद रखिएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट कौन कौन से, नागालैंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, ये बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रखिएगा, आपका किसके साथ, तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं आपके म्यांमार के साथ, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका भूटान। तो भूटान याद रखिएगा टोटल 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ।
और जो स्टेट आपके भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो स्टेट है यहां देखिएगा आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। और फाइनली आ गया आपका अफगानिस्तान। जैसे आपको बताया गया अफगानिस्तान किसके साथ शेयर करता है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है वहां पे अपना बॉर्डर शेयर करता है। टोटल आप लोग बोल सकते हो 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है आपका अफगानिस्तान। और जो स्टेट के साथ लगा हुआ है या फिर जो यूनियन टेरिटरी के साथ लगा हुआ है वो याद देखिएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर समुद्र में देखा जाए तो समुद्र में हमारे इंडिया के कुछ पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी कंट्रियां हैं, जैसे आपका हो गया श्रीलंका, मालदीव, और इस तरह अगर चला जाए तो थोड़ा आपका पास में देखने को मिलेगा कौन सा, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया जो आइलैंड्स हैं वो हमारे करीब आती है। अच्छा, अगर बॉर्डर का नाम देखा जाए तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम लोग बोलते हैं आपका रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आपका LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, या फिर आपका 24 पार्ला लाइन। ये चार आपका बॉर्डर है किसके किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहीं अगर इंडिया चाइना का बात किया जाए तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर का हम लोग बोलते हैं यहां देखिएगा आपका मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। उसी प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है आपका जीरो लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जीरो लाइन। तो ये कुछ था याद रखिएगा आपका इंडिया और इंडिया के पड़ोसी कंट्रियों के बारे में। थैंक यू।